हेलो नमस्कार अस्सलाम वालेकुम साथियों, नए व्लॉग में आपका स्वागत है। हम आज एक और नया व्लॉग आपके लिए लेकर आ चुके हैं। हम पुणे टूर पर हैं। पुणे में आज हम जा रहे हैं खड़कवासला डैम देखने के लिए। बहुत ही अच्छा वहाँ का व्यू है, काफ़ी प्यारा नज़ारा है। तो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो देखने को मिलते रहे और आप ऐसे वीडियो का एंजॉय कर सके। साथ ही हमने टूरिस्ट पैलेस को लेकर अलग अलग व्लॉग बनाए तो वो भी व्लॉग काफ़ी बेहतरीन बने, उन व्लॉग को भी आप देखें। तो चलिए चलते हैं खड़कवासला डैम की तरफ और आपको दिखाते हैं शानदार व्यू। खड़कवासला जब डैम देखने के लिए जाते हैं तो आपको पेरू और सीताफल के लिए स्टॉल आपको रोड पर देखने को मिल जाएंगे। तो काफ़ी टेस्टी फल है, आप यहाँ पर आए तो इसको ज़रूर ट्राई करें। तो फाइनली गाइज हम खड़कवासला डैम पहुंच चुके हैं। बीच रास्ते में मैंने शर्ट चेंज किया है क्योंकि जब कार में थे तो हमारी नटखट गुड्डी ने आइसक्रीम खाते वक्त कार में शर्ट ख़राब कर दिया, तो चेंज किया। तो अभी हम खड़कवासला डैम पर है, तो डैम का मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाऊंगा। यहाँ पर आप कैसे घूम सकते हैं और यहाँ पर आपको खाने में क्या क्या मिलेगा, किस प्रकार का ये नज़ारा है, तो सब कुछ दिखाता हूँ मैं आपको। तो फाइनली गाइज हम पुणे के खड़कवासला डैम के वहाँ पर हैं। यहाँ का नज़ारा वाकई में बहुत ही शानदार व यूनिक है। यहाँ पर काफ़ी लोग घूमने आते हैं और लोगों को काफ़ी एंजॉय यहाँ पर लोग करते हैं। यहाँ पर आपको तरह तरह के खाने के, नाश्ते के, चाट के यहाँ पर लॉरिया व कैंटीन मिल जाएंगे ताकि आप आराम से यहाँ पर इस खड़कवासला डैम का लुत्फ़ उठा सकें। आप जब फ्रेंड यहाँ पर खड़कवासला आते हैं तो आपको यहाँ पर डैम के किनारे पर आप देख सकते हैं, आपको चाट की, नाश्ते की, कई प्रकार की रेहड़ियाँ आपको यहाँ मिल जाएगी ताकि आप यहाँ पर अच्छे से नाश्ता कर पाए। तो उस सब की व्यवस्था यहाँ पर आपको पूरे बीच पर मिल जाएगी गाइज। तो बहुत ही अच्छा यहाँ का क्लाइमेट है, नज़ारा है, बहुत ही शानदार तरीके का डैम का ये लुक आप देख सकते हैं। ये डैम बहुत ही प्यारा दृश्य है यहाँ पर, और यहाँ पर काफ़ी लोग इसको एंजॉय करने पहुँचते हैं। वहीं यहाँ पर घुड़सवारी और केमल सवारी भी यहाँ पर चलती है, तो उसको भी पर्यटक काफ़ी एंजॉय करते हैं। तो काफ़ी कुल मिला के बहुत ही शानदार लोकेशन पुणे में खड़कवासला डैम की। तो गाइस चलिए आपको और कुछ नज़ारे दिखाते हैं। वाकई में गाइस यहाँ की बात करें अगर खड़कवासला डैम की तो यहाँ पर बहुत ही प्यारा नज़ारा है। यहाँ पर लोग घूमने आते हैं, वो इस माहौल को काफ़ी एंजॉय करते हैं। वहीं यहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं आती है क्योंकि बांध है, बांध का पानी तो स्वाभाविक है ठंडी ठंडी हवाएं, तो काफ़ी इसका लोग एंजॉय करते हैं, काफ़ी इसका आनंद लेते हैं। तो बहुत ही प्यारा खड़कवासला डैम जो पुणे में आया हुआ है, बहुत ही शानदार दृश्य, बहुत ही शानदार नज़ारा। तो फाइनली गाइज आज हमने आपको पुणे के खड़कवासला डैम का नज़ारा दिखाया। खड़कवासला के वहाँ पर कैसे लोग एंजॉय करने पहुँचते हैं, क्या क्या आपको वहाँ विशेष रहता है, तो उन सब चीज़ों को लेकर मैंने स्पेशल व्लॉग बनाया। उम्मीद है आपको ये व्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा। वहीं दोस्तों हमने पुणे टूर के दौरान अलग अलग जगहों के व्लॉग बनाए, जिसमें एक सीयागढ़ फोर्ट का है, सीयागढ़ किले का व्लॉग है, एक प्रति सीढ़ी के प्रसिद्ध साईं बाबा मंदिर का है, साथ ही एक मैंने खेड़ शिवापुर स्थित कमर अली दरवेश शाह बाबा के दरगाह का व्लॉग बनाया। उसी के साथ मैंने पुणे के शनिवारवाड़ा फोर्ट को लेकर ब्लॉग बनाए। तो बहुत सारे ब्लॉग हमने पुणे जर्नी के दौरान, पुणे टूर के दौरान बनाए हैं। तो आपको उन सभी वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही गाइज आपको एंड स्क्रीन में उन सभी वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप देख पा रहे होंगे साइड में आपको एंड स्क्रीन में प्लेलिस्ट मिल रही है हमारे महाराष्ट्र टूर की। तो वहीं आपको एंड स्क्रीन में कुछ वीडियो नज़र आ रहे हैं, तो आप उन पर विजिट करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए व्लॉग के साथ, किसी नई जगह के साथ।